Hello friends, welcome back to my channel. I'm Devika. So today I've created this Silver Glitter Glam Makeup Look. And if you want to know how to create this look, so keep on watching. And आगे बढ़ने से पहले make sure आप मेरे channel को subscribe कर लीजिए, bell button को click कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी video miss ना हो. And you can also share it. It's free. So yeah, finally let's get started. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल. ये मेरे फेस को मॉइस्चराइज करेगा एज वेल एज प्राइम भी करेगा. तो ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है तो इसे मैंने फुल फेस पे अप्लाई कर लिया है एंड विद माय फिंगर्स इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मिस क्लेयर फुल कवरेज मेकअप कंसीलर एंड माई शेड इज बेज. तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश अपने पूरे आई लिड पे ताकि जो मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी वो अच्छे से पॉपअप होके आए. तो हल्का हल्का इसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर रही हूँ एंड मैं इसे अपने आईब्रोज़ के यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे आईब्रोज़ को एक शार्प लुक मिल जाए. After that मैं इसे स्पॉन्ज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन आई एम यूजिंग दिस NYB कॉम्पैक्ट विद SPF 40 एंड ब्रश के हेल्प से इसे मैं अपने कंसीलर को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी. After that आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट एंड आई एम यूजिंग दिस बॉडी शॉप एंगल ब्रश. इससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल इन कर लूँगी. मूविंग ऑन टू आई शेडो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट एंड उसमें से मैंने ये सैंडलवुड शेड पिक किया है एंड इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी इन टू माई क्रीज इन एंड आउट अच्छे से. हैज़ अ ट्रांसिशन शेड इसे मैंने यूज़ किया है. सो टेक योर टाइम एंड ब्लेंड इट क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट मैं ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ इस तरीके का. ये ब्लैक ट्रफल कलर ले रही हूँ. इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर ऑफ वी पर ब्लेंड करूँगी डैप डैप करके. एकदम अंदर नहीं जाना है, जस्ट वी शेप फॉर्म करना है एंड वहीं पे ब्लेंड करना है हमें. इसको वहीं पे बिल्ड करना है स्लोली स्लोली. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप प्लीज़ सेलो टेप ज़रूर अप्लाई करिएगा ये आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले. So slowly, slowly, I'm going to build this color. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मास्क आई शेडो पैलेट. ये कुछ इस तरीके से आता है विद दिस एप्लीकेटर जो कि कुछ यूज़ का नहीं है एंड फ्रॉम दैट आई एम टेकिंग दिस सिल्वर शेड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने आईज़ पे.
आफ्टर दैट मैं इसे फिंगर के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने एक बिग फ्लफी ब्रश लिया है, उसके हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श एजेस ना रहें तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्विस ब्यूटी मिडनाइट स्पार्कल ग्लिटर्स। ये प्रेस्ड ग्लिटर्स है, ऑलरेडी मैंने वीडियो किया हुआ है जहाँ पे मैंने रिव्यू एंड प्राइस बताया हुआ है। अगर आपको जाना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे मैं फिंगर के हेल्प से पहले अप्लाई कर रही हूँ। ये प्रेस ग्लिटर्स हैं तो आपको अलग से ग्लू अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी पिगमेंटेड है और अच्छे से अप्लाई हो जाता है। आफ्टर दैट मैं उसे ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, हल्का हल्का शेप दे रही हूँ अपनी आईज़ को। आफ्टर दैट मैंने वही फिर से ब्लैक शेड लिया है, स्लोली स्लोली बिल्ड कर रही हूँ उस कलर को अपने आउटर कॉर्नर ऑफ वी पर, और एकदम अंदर की तरफ नहीं जाना है। देन विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल ब्रश मैं उसी कलर को सेम डैब डैब कर रही हूँ, उसे बिल्ड कर रही हूँ स्लोली स्लोली। आफ्टर दैट मैंने ये बिग ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इसके हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे। देन मूविंग ऑन टू आईलाइनर, फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर एंड मैंने स्मॉल एंगल ब्रश लिया है जिसके हेल्प से मैं आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से है ये कलर। Moving on to foundation, for that I am using this Maybelline Fit Me foundation and my shade is natural buff। तो इसे मैंने डॉट फॉर्म पे अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे भी अप्लाई करिएगा। देन विद द हेल्प ऑफ दिस डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरे फेस को एक नेचुरल लुक मिले। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट डैप डैप करना है। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस डार्क कॉस्मेटिक ऑरेंज कलर करेक्टर एंड मैं इसे अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर लूँगी एंड हल्का हल्का सा मैं अपने माउथ एरिया के यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। देन फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर एंड माई शेड इज मीडियम। तो इसे मैंने ट्राइंगल फॉर्म में अप्लाई कर लिया है, तो इसे मैं ब्रिज ऑफ द नोज पे भी अप्लाई कर लूँगी।
देन विद द हेल्प ऑफ दिस डैम ब्यूटी ब्लेंडर इसे मैं डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी। After that I am using this sponge ताकि जो मेरे under eye का concealer है उसे मैं अच्छे से blend कर लूँ and कोई creases ना हो। Then to set my concealer and foundation I am using this Makeup Revolution Luxury Banana Powder and मैं अपने under eyes को bake कर रही हूँ जहाँ पर भी मैंने concealer apply किया था to highlight my face। मैं अपने नेक पे जो भी लेफ्ट ओवर था उसे अप्लाई कर लिया है पाउडर को एंड ईयर्स को नहीं भूलना है, ईयर्स पे भी ज़रूर अप्लाई करिएगा एंड जो भी एक्सेस था वो अभी मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। मूविंग ऑन टू ब्रॉन्जर, फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस लॉरियल ब्रॉन्जर। तो ये कुछ इस तरीके से आता है एंड इसमें आपको एक फ्लैट ब्रश भी मिल जाता है, तो इसे मैं अपने हॉलोज ऑफ माय चीक्स पे, जॉ लाइन पे अप्लाई कर लूँगी एंड हल्का हल्का नोज को भी कॉन्टर कर लूँगी। देन विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल ब्रश मैं अपने कॉन्टर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड इसे हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है टुवर्ड योर हेयर लाइंस, याद रखिएगा। एंड नोज़ को भी ऐसे ब्लेंड करना है अपने ब्रश को फ्लैट करके ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे एंड सब अच्छे से ब्लेंड हो जाए, एकदम स्मूथ लगे। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस सफार ड्रीम विविड ब्लश, ये इस कलर का है एंड इसमें एक मिरर भी है। देन आई एम यूजिंग दिस प्रोफेशनल आर्ट ब्रश एंड इसमें अप्लाई कर लूँगी अपने एप्पल ऑफ माई चीक्स पर। Then for highlighter, I'm using this Makeup Revolution highlighter and today I'm going to use this middle shade which is second number। तो ऐसे मैं अपने ब्रो बोन पे पहले अप्लाई कर रही हूँ एंड अपने चीक्स के हाईलाइट पे, ब्रिज ऑफ नोज, जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना पसंद है मैं हाईलाइट कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग दिस आई लैश कर्लर एंड मैंने ये फॉरएवर 21 से परचेस किया है, तो इसे मैं कर्ल कर लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेबलिन कॉलोसल मस्कारा। मैं कोई आज फॉल्सेस नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, तो इसका लाइक 4 to 5 कोट्स अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। देन आई एम यूजिंग दिस एसक्यू स्टिक क्विकी वाइट काजल एंड इसे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी आँखों को एक बिगर लुक मिले। देन मैंने ये फ्लैट ब्रश ले लिया है, स्मज ब्रश, एंड वही सेम ब्लैक ट्रफल कलर लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन में इसे अप्लाई कर लूँगी। तो ये काफ़ी पिगमेंटेड कलर है, आप देख ही सकते हैं। इसका भी मैंने रिव्यू एंड स्वॉचेस किया हुआ है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। हुडा ब्यूटी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। देन मैंने वही सेम मस्कारा लिया है एंड उसे मैं लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। Then moving on to lips, for that I'm using this Shy Style lipstick।
तो मैंने ये ओ हीरोइन शेड लिया है एंड इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। पहले बॉर्डर अप्लाई करूँगी देन फिल इन कर लूँगी अपने लिप्स को अच्छे से। एंड इसका भी मैंने रिव्यू एंड स्वॉचेस किया हुआ है, अगर आपको चेकआउट करना है परचेस करना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो आप रिव्यू एंड स्वॉचेस सब चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं इस मेकअप को एंड करूँगी बाय अप्लाइंग मेकअप सेटिंग स्प्रे, ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो या दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको आज का ये लुक पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर आपको आज का ये लुक पसंद आया हो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए टू सी माई अपकमिंग वीडियोज एंड यू कैन शेयर इट हैज वेल विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इट्स फ्री। एंड डू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टूडे, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।